बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एमएसटी सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो सितंबर मंथ में हो सकती है, क्या उसमें और भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, उसके पोस्टपोन होने के कितने परसेंट चांसेस है। तो टोटल विथ प्रूफ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो टोटल आपके प्रॉब्लम्स और डाउट इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है, तभी आपके सभी सॉल्यूशन आपको मिल पाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रख यार, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे और आपके जो प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन भी जनरली मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको अभी पता है कि 12 अगस्त टू 16 अगस्त तक जो रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो ओपन रहने वाली है, तो जिनको भी एडिट करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, वो 16 अगस्त तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो 16 अगस्त तक वो तो यही टोटल काम करने वाले हैं। और जैसे ऑलरेडी उन्होंने बताया कि जो एमएसटी सीईटी की जो फेज की जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट दो जनरली टू फेजेस में कंडक्ट की जाती है, 4 सितंबर से वो स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे उन्होंने 22 डेट्स भी बताए थे टाइम्स नाउ की। ये जो ने कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, तो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले कि 4 to 10 सितंबर का जो फर्स्ट फेज़ उन्होंने बताया था और जो सेकेंड फेज़ है वो 14 to 20 सितंबर तक उन्होंने बताया था। और लास्ट में कुछ ही दिनों पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि एमएसटी सीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो काफ़ी जल्द रिलीज़ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, तो इतने ज़्यादा चीज़ें होने के बाद एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है क्या, तो ये क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फ्रेंड्स, तो जनरली मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड रिलेटेड डाउट होगा ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली लास्ट 4 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप बताऊँ तो जो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका हॉल टिकट है, वो एग्ज़ाम से 5 to 10 days पहले रिलीज़ होता है और आपके एग्ज़ाम के 20 days पहले जनरली डेट भी डिक्लेयर होती है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो बीबीसी न्यूज़ मराठी है उनका उनके ऊपर उदय सामंत सर का वीडियो देख रहा था, तो उदय सामंत सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला है आपके एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम के ऊपर, तो उस वीडियो की क्लिप आप पहले देखिए और उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, तो पहले आप उस वीडियो की क्लिप को अच्छे से देख लीजिए कि उदय सामंत सर ने क्या बोला है। जे सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। 12वीनंतर प्रोफेशनल कोर्सेसला जे सीईटी घ्यायची आहे त्याचं देखील आमचं टाइम टेबल तयार झालेलं आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर UGC प्रमाणे आम्ही ॲडमिशन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला यश येईल। एंड आपने उस क्लिप को देख लिया होगा कि उदय सामंत सर ने बोला है कि जो 12 के बाद की जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वो एमएसटी सीईटी की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं उसका जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है ऐसे सर ने बोला है, और काफ़ी जल्द वो रिलीज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में उन्होंने बताया कि जो सीईटी का जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी जल्द वो रिलीज़ कर सकते हैं। जो UGC की जो गाइडलाइंस है उसी तरह से वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो बहुत ही कम चांसेस मुझे लग रहे हैं कि जो आपके एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बहुत ही कम चांसेस अभी लग रहे हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो खुद बोल रहे हैं कि जो आपकी जो सीईटी एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी जल्द वो रिलीज़ कर सकते हैं। मीन्स आपके एग्ज़ाम के जनरली 15 to 20 days पहले जनरली आपका जो डेट्स है वो डिक्लेयर होते हैं और टाइम टेबल रिलीज़ होता है, तो कुछ इसी तरह का सीन चल सकता है। बहुत ही ज़्यादा कम मुझे अभी चांसेस लग रहे हैं। बाकी आपके ओपिनियन भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को एग्ज़ाम नीट के बाद लेनी चाहिए, बहुत ही जल्द वो एग्ज़ाम ले रहे तो नीट के बाद लेनी चाहिए क्या, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा स्टडी करने के लिए, या फिर आपके दूसरे ओपिनियन होंगे तो वो भी मुझे बताएं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लेके निपटा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से आप ये पोस्टपोन कर रहे और स्टडी करके भी बोर हो रहा है। तो जो भी आपके ओपिनियन होंगे आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम जो उन्होंने डेट बताए उसी डेट के ऊपर अभी लेनी चाहिए या फिर कुछ उसमें चेंजेस करके पोस्टपोन करनी चाहिए, जिसके जो चांसेस है अभी तो इस टाइम में मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर सर खुद बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी जल्द वो रिलीज कर सकते हैं। तो आपके जो ओपिनियंस है मुझे आपके साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अदर फ्रेंड को भी आपके ओपिनियन समझ में आने चाहिए, उनको भी प्राउड और प्रॉब्लम्स क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड्स, बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। एमएसटी सीईटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो लगा तो सिर्फ एक बार आप चैनल पर जाके विजिट करके एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन टिप्स की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, और एमएसटी सीईटी बेस्ट स्ट्रेटजी बुक को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसमें से आपको बेस्ट स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कितने सब्जेक्ट को करने की कितनी ज़रूरत है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा छोड़ना चाहिए, आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं, कितनी स्पीड आपको बढ़ानी चाहिए, कैसे रिवाइज आपको करना है, सब प्रॉब्लम्स और डाउट उसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे।
और MHTCET बेस्ट मॉक टेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट एंड बाय एक्सपर्ट्स UAPOET के जो मॉक टेस्ट है उनका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उनकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हैं। MHTCET डाउट के लिए आप MHTCET प्रिपरेशन टिप्स या प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। MHTCET 2021 ये प्लेलिस्ट भी आप ओपन करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच।